बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक शख्स अपना वाकया बयान करता है। मैंने एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। बुज़ुर्ग मुस्कराए और किबला रू हुए, पांव लपेटे, राने तह की और अपने जिस्म का सारा बोझ रानों पर मुंतकिल किया और मुझसे पूछा, तुम अल्लाह से क्या चाहते हो? हम दोनों उस वक्त एक जंगल में बैठे थे। हब्स और गर्मी का मौसम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने ऊपर देखा, ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और इन पत्तों से ऊपर गर्म पिघलता हुआ सूरज था। अगर बादल आ जाएं, ज़रा सी ठंडी हवाएं चलने लगें तो मौसम अच्छा हो जाएगा। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, लो देख लो। वो उसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुक गए और पंजाबी ज़ुबान में दुआ करने लगे, ए अल्लाह इस काके की दुआ कबूल कर ले, ए अल्लाह हमारी सुन ले। वो बुज़ुर्ग दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले इनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी और फिर बुज़ुर्ग की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा है, मगर उनका रोना अजीब था। वो एक ख़ास अंदाज में रो रहे थे, मुंह से सिसकियां निकलती, फिर आंखों से आंसू बरसते। ऐ अल्लाह हमारी सुन ले, ये जुमला बार बार दोहराते। मैं परेशानी और इस्तेजाब और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ उन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते, रोते जाते और सिसकियां भरते जाते। मैंने फिर वहाँ अजीब मंज़र देखा। मुझे हवा ठंडी होती हुई महसूस हुई। आसमान पर उसी तरह से सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा ठंडी होती चली गई। मेरी पेशानी, सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो गया था। मेरे सीने और कमर पर रेंगता हुआ पसीना भी गायब हो गया। मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और हैरान हो रहा था। मेरे देखते ही देखते पत्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शाखें एक दूसरे के साथ उलझने लगी, पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और वो सूरज और हमारे सर के दरमियान तन कर खड़ा हो गया। वो रुके और दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे और बार बार ये कहते रहे, अल्लाह तेरी बहुत मेहरबानी है। वो दुआ से फारिग हुए और फिर ज़रा ऊपर उठे, टांगे सीधी की और मुंह मेरी तरफ करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद धाड़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने कंधे से रुमाल उतारा और अपनी धाड़ी खुश की और बोले, देख लो अल्लाह ने हम दोनों बंदों की दुआ कबूल कर ली। मैंने उस बुज़ुर्ग का हाथ पकड़ा और चूमा और अर्ज़ किया, बाबा जी लेकिन ये बताएं, अल्लाह से बात मनवाने का फार्मूला क्या है? अल्लाह कब और कैसे और क्या क्या दुआ कबूल करता है? वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और शहादत की दोनों उंगलियां अपनी आँखों पर रखी और फिर बोले, ये दो आँखें फार्मूला हैं। मैंने खामोशी से बुज़ुर्ग की तरफ़ देखा। बुज़ुर्ग ने फिर कहा, ये फार्मूला मैंने अपनी माँ से सीखा है। मैं बचपन में जब अपनी माँ से कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती और मेरी आँखें भी साफ करती और मेरी ख्वाहिश और ज़रूरत पूरी करती। मैं अपनी माँ का जी भर के इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता। मैं रो रो कर अपनी माँ से अपनी पसंद के खाने बनवाता था।
और अपने नए कपड़े और नए जूते की फरमाइश भी किया करता था और खेलने के लिए घर से बाहर भी जाता था। बुज़ुर्ग कुछ देर रुके और आहिस्ता से बोले, मैंने जब मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये फिक्रा सीधा मेरे दिल पर लगा और मैंने सोचा, मैं रो रो कर अपनी माँ से सब कुछ मनवा लेता हूँ, अगर अल्लाह मुझसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो फिर मैं रो रो कर उससे क्या नहीं मनवा सकता। बुज़ुर्ग कुछ देर रुके और फिर बोले, बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं रोता हूँ और अल्लाह की ज़ात में 70 माओं की मोहब्बत जगाता हूँ और मेरी हर ख्वाहिश और दुआ कबूल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अजीज़ दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये बात अल्लाह ने खुद फरमाई है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, जब औलाद को तकलीफ़ होती है तो माँ तड़प उठती है और अपने औलाद की हर ज़िद को पूरा करती है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, चाहे माँ के बस में हो या ना हो। और माँ अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी औलाद की ज़िंदगी की तमाम ज़रूरत को पूरी करे और अपनी औलाद को दुख दर्द और तमाम परेशानियों से दूर रखे और उनको गर्म हवा तक ना लगने दे तो ज़रा सोचें, अल्लाह जो इस माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता होगा और वो अपने बंदों को किस कदर कामयाब और सुरखुरू देखना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमारी हर दुआ सुनता है, लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी दुआओं में वो तासीर नहीं होती और हमें अपनी दुआ पर दिल से यकीन नहीं होता कि वो कबूल होगी या नहीं। हम सिर्फ ज़ुबानी दुआ करते हैं। जिस दिन यकीन और पूरे ईमान के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता है और ज़रूर सुनता है और हर इंसान के दिल में आने वाले तमाम ख्यालात से वाकिफ़ है। अपने अल्लाह से यकीन, मोहब्बत और अकीदत के साथ दुआ मांगे, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आमोज़ वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और वाकयात के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।